नमस्कार, मैं राकेश आपका सिवानी स्टोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से मैं एक शुरू कर रहा हूं, कुछ वीडियोस होंगे इसके अंदर, मेरा हो सकता है कि 6-7 वीडियोस के अंदर बने। इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं जो बहुत ही मतलब जैसे कहना चाहिए कि अगर आप उनको सीख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, बेसिकली समझने की बात है, उनको सीखने से ये नहीं कि उनको रट्टा लगा लेना है, उनको बिल्कुल याद कर लेना है, उनको अगर समझ लेते हैं तो किसी भी कुंडली को देखने में, किसी कुंडली की प्रेडिक्शन करने में आपको बहुत आसानी होगी। वो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ अनोखे सूत्र जो बहुत बेसिक भी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जिनका हम लोग ध्यान नहीं रखते और प्रेडिक्शन के अंदर उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली बनी हुई है मेष लग्न की, इसमें ये वाला भाव जो भाव होता है इसको तनु भाव बोलते हैं। पहला भाव को बोलते हैं तनु भाव, यानी कि सेल्फ, तनु भाव बोलते हैं इसको। दूसरा भाव बोलते हैं किस क्या दूसरा भाव बोलते हैं धन भाव। तीसरा भाव बोलते हैं पराक्रम। चौथा भाव बोलते हैं सुख। पांचवा भाव बोलते हैं संतान। छठा भाव बोलते हैं कष्ट, संघर्ष, रोग, ऋण। सातवां भाव बोलते हैं पत्नी का, पार्टनर का, पत्नी का या पार्टनर का, ये पार्टनर भी हो गया। आठवां भाव बोलते हैं अचानक लाभ या हानि होता है, जिसे कहना चाहिए अचानक लाभ या हानि, आकस्मिक जिसे बोलते हैं। नाइन्थ भाव बोलते हैं भाग्य भाव को। दसवां भाव बोलते हैं कर्म भाव को। ग्यारहवां भाव बोलते हैं लाभ भाव। और बारहवां भाव बोला जाता है व्यय भाव। इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, इनको एक नाम दे दिया है और इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा है, जिसे मैं आपको बताऊँगा तो आपको समझ में आएगा। आप ये समझिए कि पहला भाव ये तनु भाव है, ये धन भाव है, ये पराक्रम भाव है, ये सुख भाव है, ये संतान भाव है, संतान भी है इससे, विवेक बुद्धि भी देखते हैं इस चीज़ से और पूर्व जन्म के कर्म भी देखते हैं। ये भाव रोग ऋण शत्रु और संघर्ष का है, ये भाव पत्नी का भी है, सांसारिक सुख भोग का भी भाव ये माना जाता है। और आठवां भाव ये आकस्मिक लाभ हानि का या जितनी भी गुप्त तरह की विद्याएँ हैं उनका ये भाव माना जाता है। नौवां भाग्य धन भाग्य का भाव होता है, दसवां कर्म के लिए होता है, ग्यारहवां लाभ के लिए और बारहवां व्यय के लिए। तो इसमें आपको ये चीज़ समझनी है कि हर भाव से बारहवां भाव, हर भाव से बारहवां भाव उसके व्यय को दर्शाता है। अगर किसी भाव की हानि को भी आपने स्टडी करना हो, सपोज़ आप चौथे भाव की हानि को स्टडी करना चाहते हैं तो तीसरे भाव को भी देखिए, क्योंकि चौथे का व्यय तीसरा है, बारहवां ये व्यय भाव है। व्यय भाव का मतलब खर्चा, हानि, हानि का भाव है ये वाला। तो जब लगन से बारहवां हानि का भाव होता है, इसी प्रकार हर भाव से बारहवां भाव हानि का भाव होता है उस भाव की। तो अगर आपको कोई कहता है कि मैं चौथे भाव की हानि देखना चाहता हूँ कि सुख में क्या हानि हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो उससे तीसरा भाव भी आप देखिए। अगर तीसरे भाव के अंदर भी आपके अशुभ ग्रह बैठे होंगे, भाव त्रस्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपके चौथे भाव के रिजल्ट भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि चौथे भाव का हानि भाव है ये। तो इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। अब दूसरा जैसे लगाते हैं, एक सिंपल फंडा इसमें समझिए, जैसे कि हर भाव से पहला भाव ये है, दूसरा भाव धन भाव है, यानी कि हर भाव से दूसरा भाव उसका धन होता है, हर भाव से दूसरा भाव उसका धन होता है। जैसे हम कोई पूछते हैं कि भाई का धन कहाँ से देखें, तो भाई कहाँ से देखते हैं, तीसरे हाथ से, छोटे भाई बहनों को तीसरे हाथ से देखा जाता है। तो भाई का धन कहाँ से हुआ, उससे दूसरा यानी सेकंड, ये फोर्थ भाव से हम भाई का धन देखेंगे। तो हर भाव से दूसरा भाव धन का भाव होता है, हर भाव से तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, बल का भाव होता है, यानी हर भाव का बल अगर आपने देखना हो तो उससे तीसरा भाव भी आप देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि कैसा बल उसमें है। हर भाव से चौथा भाव उसका सुख का भाव होता है। अगर आप ढूंढना चाहते हैं कि इस कुंडली में कितना सुख है या क्या क्या सुख मिल रहे हैं, तो उससे चौथा भाव भी अगर देखेंगे तो वो उस भाव का सुख है, यानी ये चौथा भाव इस यहाँ से 1 2 3 4
यानी ये सातवां भाव जो है वो इस भाव का भी सुख है। अब सातवें भाव में क्या होता है, सांसारिक सुख भोग भी रखते हैं, गृहस्थ आश्रम भी रखते हैं, भोग विलास भी इसके अंदर आता है, तो ये सुख हो गया। तो सुख और सब चीज़ें मिलकर सांसारिक सुख भोग का भी भाव ये बन जाता है, क्योंकि सातवां भाव चौथे से चौथा है, यानी ये सुख का भाव है और ये सुख के सुख का भाव है। इसी प्रकार से पाँचवा भाव हर भाव से उसकी बुद्धि उसके विवेक का भाव होता है, या आप समझ सकते हैं कि संतान का भाव होता है। जैसे कि आप देखना चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि मदर का देखना चाहते हैं, या सपोज करो भाई के बच्चे देखना चाहते हैं आप, तो भाई का भाव ये वाला है, तो वहाँ से पांचवा देखिए, 1 2 3 4 5, तो वो वाला भाव आपको मिल जाएगा कि ये भाई की संतान का भाव है, आपके भतीजे भतीजों का भाव है। तो इस तरीके से आप देखते हैं, और इसी प्रकार से हर भाव का छठा भाव उस भाव का संघर्ष दिखाता है, क्योंकि ये वाला भाव जो है मैंने लिखा है इसके अंदर संघर्ष का भाव है। मतलब आपको कष्ट मिल रहा है, रोग मिल रहे हैं, ऋण मिल रहे हैं, शत्रु मिल रहे हैं, आपको बड़ा संघर्ष से जीवन पार करना है, इवन आपको कंपटीशन भी पास करना है तो बड़े संघर्षों से कर रहे हैं, तो ये भाव संघर्ष भाव कहलाता है। तो किसी भी भाव का संघर्ष अगर आपने देखना हो तो उस भाव का छठा भाव भी देखिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस भाव को, भाव के रिजल्ट प्राप्त करने में हमें कितने संघर्ष करने पड़ेंगे। अगर हमें देखना पड़ता है कि पाँचवा भाव का हम देखना चाहते हैं कि संतान के उसके भाव के रिजल्ट, हमें संघर्ष के भाव के रिजल्ट कितने मिलेंगे इसके अंदर देखने के लिए, तो वहाँ से छठा भाव देखिए, तो छठे भाव से मालूम पड़ेगा कि इस भाव के रिजल्ट लेने के लिए, पांचवें भाव के रिजल्ट लेने के लिए हमको कितने संघर्ष करने पड़ेंगे जब हमें पांचवें भाव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार से हर भाव का सातवां भाव उसका भोग विलास का होता है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, सांसारिक सुख का होता है। यानी किसी भी भाव का अगर आपको सांसारिक सुख देखना है, या आपको देखना है कि उस भाव का पूरक कौन है, तो उसके लिए उस भाव से सातवां भाव देखिए, तो उस भाव का सांसारिक सुख उस भाव से मिल जाता है। किसी भाव का आठवां भाव जो होता है आकस्मिक लाभ हानि का होता है, ये गड़ा खजाने का होता है, गुप्त ज्ञान गुप्त विद्या उसका होता है, गुप्त जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका ये जितनी चीज़ों में गुप्त लगा होता है उन सबके लिए आठवां भाव ये इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी आठवां भाव है वो आपके आकस्मिक लाभ हानि का भाव होता है। तो किसी भी भाव की अगर आपने आकस्मिक लाभ हानि देखनी है तो कहाँ देखें, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई पूछता है कि मैं सट्टे में धन लगाना चाहता हूँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या रहेगा उसका, तो सट्टे में धन अब क्या चीज़ देखेंगे हम लोग। तो देखने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई प्रश्न आता है तो उस प्रश्न के लिए दो चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है कि वो प्रश्न किस भाव से संबंधित है, नंबर टू उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए या उस भाव का रिजल्ट देने के लिए कौन सा ग्रह रेस्पॉन्सिबल है। जब ये दो चीज़ हमें मालूम हो जाएंगी कि किसी ने कोई भी प्रश्न पूछा और हमको ये मालूम हो कि ये प्रश्न इस भाव से संबंधित है और इस प्रश्न का उत्तर ये ग्रह देगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती परीक्षण करने के लिए। अब किसी ने पूछा कि भाई मैं धन लगाना चाहता हूँ सट्टे में, क्या मुझे धन मिलेगा, तो धन क्या हुआ, धन का तो सेकेंड भाव हो गया, ये धन वाला हो गया। तो इससे आठवां भाव देखिए, आठवां भाव जो होता है आकस्मिक लाभ हानि का होता है, तो यहाँ से आठवां चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नाइन्थ भाव देखिए। अगर नाइन्थ भाव मजबूत है आपका तो सीधी सी बात है कि अगर सट्टे में आप धन लगाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ये बात आप गारंटेड समझ के रख लीजिए। तो इसलिए किसी भी भाव का आकस्मिक लाभ या हानि उसका आठवां भाव होता है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें आती है, जैसे ये सातवें का हो गया, आठवें का हो गया, नौवें का, ये तो आपको पता ही है, किसी भाव का भाग्य भाव, धर्म का भाव, अच्छे कर्मों का भाव उसका नवा भाव होता है, किसी भाव का भी कर्म जो है दसवां भाव होता है, किसी भाव का भी लाभ जो है वो ग्यारहवां भाव होता है। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि चौथे भाव का लाभ कैसा रहेगा, रिजल्ट मिलेगा, तो चौथे भाव से ग्यारहवां भाव देखिए, अगर ग्यारहवां भाव अच्छा है तो हमें चौथे भाव के लाभ अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार से मैंने बारहवें का बताया कि हर भाव से बारहवां भाव उसका व्यय भाव होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली। इसे मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई है, वो भी ध्यान आप रखिएगा कि जब भी कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न के दो चीज़ याद रखिए, नंबर वन कि वो कौन से भाव से संबंधित है, और नंबर दो वो कौन से ग्रह से संबंधित है। अगर मान लिया हम धन की बात करते हैं कि धन हमारे पास होगा या नहीं होगा, तो धन हमारा कौन सा भाव बताता है, धन हमारा दूसरा भाव बताता है, यानी ये भाव दो से
हमारा संबंधित है। और धन देने वाला ग्रह कौन होता है? गुरु, बृहस्पति, यानी यहाँ बृहस्पति संबंधित है। तो कुंडली के अंदर अगर हम भाव दो और बृहस्पति को देखेंगे तो हम ये लगा सकते हैं आइडिया कि हमारे पास धन कितना होगा और कैसे होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिनको हम लोग भूल जाते हैं और इनका प्रेडिक्शन में बहुत इस्तेमाल है। तो ये चीज़ आप परीक्षण में इस्तेमाल करना, देखिए किसी भी कुंडली पर इसको लगाइए और लगा के हर भाव से उतने भाव उसका देखिए, तो आपको मालूम चलेगा कि सुख का सुख क्या है, या आपको इस भाव की हानि किस भाव से देखी जा रही है और क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा। पसंद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुंडली पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।